बाड़मेर शहर के विष्णु कॉलोनी में एक किराए के मकान में अनैतिक गतिविधियों की शिकायत लेकर मोहल्लेवासी महिला थाने पहुंचे। मोहल्लेवासियों ने थानाधिकारी को किराए के मकान में अनैतिक गतिविधियां चलने और इससे मोहल्ले का माहौल खराब होने की बात कहने पर झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। बाड़मेर शहर के विष्णु कॉलोनी के बासिंदों ने रविवार को पुलिस को मोहल्ले में अनैतिक गतिविधियां चलने और मोहल्ले का माहौल खराब करने की शिकायत की। विष्णु कॉलोनी के बासिंदों ने रविवार को महिला थाने पहुंचे और थानाधिकारी राम प्रताप सिंह को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए ज्ञापन सौंपा और अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में लोगों ने बताया कि मोहल्ले में एक मकान मालिक द्वारा अपना मकान किराए पर दे रखा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किराएदार द्वारा इस मकान में अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कई बार किराएदार को समझाने की कोशिश की तो उल्टा उन्होंने झूठे मुकदमों में फंसा दिया। उन्होंने बताया कि किराएदार द्वारा उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है, साथ ही उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा कर जिंदगी तबाह करने की भी धमकियां दी जा रही है। उन्होंने महिला थाना प्रभारी से मामले की जाँच करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। काम आ जाए सुबह जाए शाम टाइम आ छोड़ा जूठा जूठा मुकदमा लगा फंसा देवे और एक तो आवे जावे तो गंदी गाली लगा छोड़े शराब पिए सिगरेटो पिए छोरा ने इशारा भी देवे और छोरा हाथ देख कर पर बदतमीजी भी कहे और उल्टा पास छोरा माथे केस लगा दियो छोरा बेइज्जती करे रिया इन वास्ते मन माई तोरा भेड़ा बेन आनो पड़ियो मकान है जत माल सिंह छोड़ारो फिर मकान है मैंने छोड़ियो रेवे रही मन इतना दिन ध्यान हो को नहीं मैं देखो यूं रेवे उन बाद दो तीन समझाई भी की तो आदमी के थे हमारे की उकेर ले हो गए खुद कह रहे मकान मालिक खुद बोला रहे थे की कर दे हमारे के हम कहीं को वेन्ना था सर्टिफिकेट मने जरूरत है तो चलो भाई नहीं जरूरत है तो पास वो खुद भेड़े उबो रहे छोड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं मछोड़ माते मुकदमो दर्ज करा दियो। उसके पास में जेतमाल सिंह का मकान जेतमाल सिंह लखा गाँव का जिला जैसलमेर किराए पे मकान दे रखा है गलत काम होता है हमारे ऊपर झूठे मुकदमे करता है वो हमारे बच्चों पर झूठे मुकदमे करता है। अच्छा कब से ये काम चल रहा है वहाँ ये करीब एक महीना से। अच्छा तो क्या किन कल उन्होंने मुकदमे कराए कल क्या हुआ कि मोहल्ले वाले हम सब भेड़े गए गए वहाँ और उनको बाहर काटा तो उसने हमारे बच्चा पर मुकदमा कर दिया। अभी आप थाने आए थाना सेंटर वालों ने मुकदमा दर्ज करवाया महिला थाने के अंदर उसकी खबर हमें लगी है कल शाम को जब जांच अधिकारी वहाँ पे आए तो हमने मोहल्ले वासियों ने सबने इकट्ठा होके उनसे एक बार समझाइश करने की कोशिश की कि भाई ये रहवासी मकान है यहाँ पे आप इसके बीच में स्पा सेंटर वालों को लाके रखते हो हमारे भी बाल बच्चे हैं हमारे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तब भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। 15 तारीख की रात को मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होके उन जो मकान था रहवासी उस मकान के अंदर 6-7 लड़कियां 8-10 उनके कस्टमर उन सबको पकड़ा बाहर खड़े होकर लोगों ने वीडियो बनाए उस चीज़ के। तब उन्होंने क्या देखा कि अब कुछ बात बननी नहीं है वहां से वो लोग भाग गए उस समय और 18 तारीख को आके उन्होंने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया। उसी को लेके हम सब मोहल्लेवासी इकट्ठा होकर महिला थाना के अंदर आए हैं और हमारा जो भी ज्ञापन था हमने यहाँ पर दे दिया है। अब इन्होंने बोला है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे जो भी आगे की। विष्णु कॉलोनी के बासिंदों का आरोप है कि किराए के मकान में अनैतिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है, इस वजह से मोहल्ले में कई असामाजिक तत्व दिन रात भटक रहते हैं। इस कारण उनकी बहू बेटियों का घर से निकलना दूभर हो गया है। मोहल्लेवासियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है।